गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टडी आई आर डिस्कसिंग अबाउट द काउंटर रिलीजियस रिफॉर्मेशन एंड द पॉइंट वाज ट्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेंड की धर्मसभा के बारे में कल मैं पढ़ा रहा था कि उसके अंतर्गत प्रोटेस्टेंटवाद का विरोध किया गया तथा कैथोलिक चर्च की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए 1542 में जॉर्ज पंचम ने एक सभा बुलाई, धर्म की सभा बुलाई, जिसके अंतर्गत कैथोलिक चर्च की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने तथा सभी धर्मावलंबियों का जो भी कैथोलिक चर्च के विरोध में थे उनको विचार विमर्श करने की अनुमति प्रदान की है। लेकिन सभा में कोई भी पोप 1545 तक उपस्थित नहीं हुआ। तत्पश्चात 13 दिसंबर 1545 को धर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पोप तथा अन्य प्राधिकारियों तथा प्रोटेस्टेंटों को भी भाग लेने का अवसर उपलब्ध हुआ। लेकिन सभा में विचार विमर्श के अलावा किसी को भी अपने निर्वाचन की अनुमति नहीं थी। इस पर मत विभाजन का कोई भी अधिकार नहीं था। इस प्रकार से यह पुनः कोशिश की गई कि प्रोटेस्टेंट वाद का पूरी तरह से विरोध किया जाए। कैथोलिक चर्च जो पुराने रूढ़िवादी नियमों में व्याप्त था उसको पुनः प्रतिष्ठित करने की कोशिश की गई तथा अध्यात्मवाद के को की प्रगति पर बल दिया गया कि धर्म में अध्यात्मवाद का महत्व होना चाहिए। इस तरह से कैथोलिक धर्म को स्थापित करने के लिए बाइबल कहा गया कि बाइबल के को ही धर्म का प्रमुख ग्रंथ माना जाएगा और बाइबल के आधार पर ही जो है सिद्धांतों का विकास किया जाएगा। प्रोटेस्टेंट का उसमें कोई स्थान नहीं है, इसको मान्यता नहीं प्रदान की गई है। कैथोलिक चर्च के अंतर्गत जो बाइबल का ग्रंथ है, बाइबल के ग्रंथ धर्म ग्रंथ के आदेशानुसार ही जो है धर्म ग्रंथों धार्मिक पदाधिकारियों द्वारा उसका आचरण किया जाएगा। इस तरह से धर्म बाइबल के सिद्धांतों पर आधारित होगा, इस सिद्धांत को उचित मान्यता प्रदान की गई और अध्यात्मवाद को बढ़ावा मिला और यह कोशिश की गई कि जो पुरानी रूढ़िवादियां हैं, पुरानी परंपराएं हैं, उनको समाप्त किया जाएगा एवं धर्म ग्रंथों के आधार पर ही वो पादरी जितने भी पदाधिकारी हैं उसके अनुसार आचरण करेंगे। क्षमा पत्रों की अंधाधुंध बिक्री पर रोक लगाया गया। धार्मिक पदाधिकारियों का जो चयन की जो पद्धति थी पुरानी,
उसको पुनः आज्ञा प्रदान की गई। इस तरह से चर्च की प्रतिष्ठा को यह कोशिश की गई कि प्रोटेस्टेंटवाद का पूरी तरह से विरोध किया जाए। कैथोलिक चर्च में प्रतिष्ठा को स्थापित करने का यह एक प्रमुख परिणाम यह था कि पोलैंड, हंगरी, स्पेन, जर्मनी में जो प्रोटेस्टेंटवाद का प्रभाव था, कैथोलिक चर्च के प्रचार प्रसार के माध्यम से प्रोटेस्टेंटवाद के मत को रोकना, मीन्स प्रोटेस्टेंटवाद के मत को रोका जाए एवं बाइबल की परंपरा के अनुसार धर्म का उपदेश दिया जाए। इससे प्रोटेस्टेंटवादियों को गहरा आघात पहुंचाया जाए कि लोग कैथोलिक चर्च में जो प्रोटेस्टेंट की तरफ मुड़ रहे थे उनको कैथोलिक चर्च की तरफ, कैथोलिक धर्म की तरफ, ईसाई धर्म के कैथोलिक संप्रदाय की तरफ पुनः मोड़ा जाए और अपनी पुरानी परंपरा के अनुसार कैथोलिक धर्म को पुनः स्थापित करने की कोशिश की गई। इस तरह से ट्रेंट की सभा के बाद निषिद्ध ग्रंथ सूची घोषित हुई, प्राय प्रोहिबिटेड प्रोहिबिटेड इंडेक्सेज, निषिद्ध ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, निषिद्ध धर्म ग्रंथ। निषिद्ध धर्म ग्रंथ कुछ कैथोलिक चर्च के अंतर्गत कुछ ऐसे धर्मों को कैथोलिक चर्च ने कुछ ऐसे धर्मों को निषिद्ध ग्रंथ की सूची में घोषित किया कि जिससे कि इनकी प्रतिष्ठा पर आघात पहुंच रहा था, अर्थात प्रोटेस्टेंट द्वारा लिखा गया, लिखी गई जितनी भी पुस्तकें थी उसको निषिद्ध धर्म ग्रंथ की सूची में डाल दिया गया कि कैथोलिक इन धर्म ग्रंथों का अध्ययन न करें, उनके लिए निषिद्ध कर दिया गया कि रोमन जो प्रोटेस्टेंटवादी हैं जिसके के माध्यम से कैथोलिक चर्च की प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचाया जा रहा था, उसमें जो है निषिद्ध धर्म ग्रंथ की सूची बनाई गई कि लोग उन धर्म ग्रंथों का अध्ययन न करें जो प्रोटेस्टेंटवादियों द्वारा लिखे गए हैं, मार्टिन लूथर द्वारा लिखे गए हैं, उनके अनुयायियों द्वारा लिखे गए हैं। इसके लिए जो है एक सैनिक जिसने योयला नामक सैनिक ने जेसस इग्नेस योयला जो कि स्पेन का एक सैनिक था जिसने कि स्पेन के युद्धों में व्यस्त रहते हुए जो कि चोट लगने के कारण सैनिक सेवा में से अयोग्य घोषित हो गया था, उन्होंने पुनः जो है धर्म की प्रतिष्ठा को स्थापित करने की कोशिश की और इन्होंने अब शासन में सैनिक की जिम्मेदारी के स्थान पर
ईश्वर का सैनिक बनने का निश्चय किया। और कैथोलिकों के अंतर्गत व्याप्त बुराइयां थी, उन्होंने इसको दूर करने की कोशिश की। इस तरह से क्योंकि ये सैनिक था इसलिए सैनिक एक इन्होंने संघ बनाया जिसको जेसस संघ कहा जाता है, जेसस ऑर्गेनाइजेशन, जेसस ऑर्गेनाइजेशन। जेसस संघ बनाया गया और जेसस संघ का जनरल जेसस संघ का जनरल किसको बनाया गया? इयोला को। इयोला को जेसस संघ का जनरल बनाया गया क्योंकि एक सैनिक था और सैनिक सेवा में असमर्थ होने के कारण उन्होंने ईश्वर की सेवा करने की प्रण लिया और इसे जेसस संघ का जनरल नियुक्त किया गया। और इन्होंने धार्मिक मामले में भी सेना के अनुशासन, सेना की तरह का अनुशासन बनाया। इसमें उसी को की भर्ती होती थी जो कि अनुशासनिक अनुशासनात्मक हो, जो कि अनुशासन में रहे। इस तरह से इन्होंने तीन नियम निर्धारित किए गए जिसके आधार पर जो है धार्मिक पदों पर भर्ती के लिए उन्होंने तीन नियम निर्धारित किए कि जो व्यक्ति जो है कैथोलिक चर्च के अंतर्गत सदस्यता ग्रहण करेगा उसको निर्धन होना चाहिए सबसे पहली बात, और दूसरा वह है नैतिक जीवन व्यतीत करने वाला, और तीसरा वह अनुशासन में रहे। अर्थात व्यक्ति को निर्धन होना चाहिए और व्यक्ति को अनुशासन में रहना चाहिए, उसे अंधविश्वासों में विश्वास करने वाला नहीं होना चाहिए। अर्थात उन्होंने पुनः कैथोलिक चर्च की परंपरा को स्थापित करने के लिए धार्मिक आचार व्यवहार के नियम को पूरी तरह से प्रतिष्ठापित किया और स्थिति यह बन गई कि लोग पुनः कैथोलिक चर्च की तरफ आकृष्ट होने लगे और जो है प्रोटेस्टेंटवादियों का पूरी तरह से इसमें विरोध किया गया। क्योंकि सेना में अनुशासन बनाए रखा गया और नैतिक जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति को ही इसमें रखा गया। पहला जो है निर्धन होना चाहिए, व्यक्ति नैतिक जीवन व्यतीत करने वाला होना चाहिए, अनैतिक नहीं होना चाहिए। तीसरा अनुशासन को इसमें महत्व दिया गया। इस तरह से संघ ने इन नियमों सिद्धांतों पर अपना कार्य करना प्रारंभ किया। इन नियमों सिद्धांतों के आधार पर कार्य करने से कैथोलिक चर्च की परंपरा को पुनः स्थापित किया गया और जो प्रोटेस्टेंटवादियों का विरोध था, प्रोटेस्टेंटवाद के स्थान पर कैथोलिक चर्च की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने की कोशिश की गई। तो इस तरह से कैथोलिक चर्च ने व्यापक स्तर पर काम किया तथा विश्व के अनेक देशों जैसे जर्मनी जापान, इटली,
भारत, इंडिया, भारत तथा यहाँ तक कि अमेरिका, इंग्लैंड, पोलैंड, हंगरी, स्कैंडिनेविया, धर्म का प्रचार प्रसार किया गया और इनके धर्म के प्रचारकों ने ये सत्संग की स्थापना जो की गई, एक चर्च के अंतर्गत एक अनुशासनिक संगठन था जो कि पूरी तरह से बाइबल के नियमों में विश्वास करता था और कैथोलिक चर्च की पुरानी परंपरा का इन्होंने परित्याग किया, क्षमा मात्रों का विक्रय बंद कर दिया। जो कैथोलिक चर्च पूरी तरह से, और यह कोशिश की गई कि जो भी धर्म के पदाधिकारी हैं, आदेश दिया गया संघ के अंतर्गत कि जो धर्म के पदाधिकारी हैं किसी भी धर्म के संपादन में, किसी भी धार्मिक कार्य के अनुष्ठान में कोई भी धन ग्रहण नहीं करेंगे और कैथोलिक चर्च के नियमों के अंतर्गत ही रहेंगे, अर्थात जो धर्म के विरुद्ध आचरण करता था उसे अनुशासन से नात्मक कार्रवाई करके उस पर उसको बाहर कर दिया जाता था। लेकिन इसमें सैनिक की तरह भर्ती का नियम प्रतिपादित किया गया, क्योंकि युलाल जो सैनिक सैनिक था उसने एक सत्संग की जो स्थापना हुई उसके अंतर्गत एक सुसभ्य नैतिक जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति को भर्ती करने का भर्ती किया। इस तरह से कैथोलिक चर्च की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया गया तथा कैथोलिक चर्च ने विभिन्न देशों में जो जीसस संघ था विभिन्न देशों में कैथोलिक चर्च का प्रचार प्रसार प्रारंभ किया। इसमें जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस इसके अनुयायी जो थे, युला के अनुयायी फ्रांस के थे, फ्रांस, भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, पोलैंड, हंगरी आदि देशों में रोमन कैथोलिक चर्च की परंपरा को पुनर्स्थापित किया गया तथा प्रोटेस्टेंटवादियों का जो प्रभाव बढ़ गया था मार्टिन लूथर के उपदेशों के द्वारा, जो प्रोटेस्टेंट धर्म की शुरुआत, प्रोटेस्टेंट विचारधारा की शुरुआत हो गई थी, जिसके के द्वारा कैथोलिक चर्च के नियमों को प्रोटेस्टेंटवादियों ने पूरी तरह से यह सिद्ध कर दिया था कि कैथोलिक चर्च अब पूरी तरह से धर्म लोलुपता में व्याप्त हो गया है और धर्म लोलुपता के कारण धर्म की प्रतिष्ठा का जो पुनः ह्रास हो रहा था उस ह्रास को पुनः स्थापित करने की कोशिश की गई। तो इस ढंग से कैथोलिक चर्च के नियम को पुनः प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया गया और विभिन्न देशों में जो जीसस संघ ने विभिन्न देशों में अपना प्रचार प्रसार शुरू किया तथा लोगों को प्रोटेस्टेंटवाद से ऊपर उठ करके कैथोलिक के नियमों में विश्वास करने के लिए जो है विश्वास करने के लिए इनको विश्वास दिलाया गया, अर्थात लोग प्रोटेस्टेंटवाद से ऊपर उठ करके को त्याग करके कैथोलिक चर्च के नियमों को धारण करें। इस तरह से
जो है कैथोलिक चर्च के नियमों की धीरे धीरे स्थापना करने की कोशिश की गई, जिससे कि प्रतिसुधारवाद आंदोलन को बढ़ावा मिला। थैंक यू वेरी मच। आई विल कंक्लूड द लेक्चर हियर।